आराम से ये सर तुसे सुबह सुबह देखो गाइस मसाज करा रहे हैं। ये बेचारा सुबह सुबह हमारे पास आ गया बिल्ली बन के चुपके चुपके से, और ये कह रहे मेरे को ये मसाज कर सर, तुम को ये मसाज कर। आप छोटे बच्चे से मसाज करा रहे हो? जब हम छोटे बच्चे से बड़े हमसे करवाते थे, अब हम बड़े हो गए तो हम छोटे बच्चे से करवाते हैं काम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ, सबको सुप्रभात। और अभी हम लोग गाइस, इतने लोग देखो, सब लोग जा रहे हैं हम लोग बहुत जरूरी काम करने के लिए। वो जरूरी काम मैं नीचे जाके बताता हूँ कि क्या है। ये देखो दो बड़े क्यों नहीं चलता, ये मेरी पहाड़ी का मजाक बना रहे हैं गाइस। देखो हाँ पता है मेरे को, मैं भी थोड़ी थोड़ी पहाड़ी सीख जाऊंगा, समझ तो लेता हूँ, बोलनी नहीं आती अभी इतनी। तो गाइस इसको हिस्सर बोलते हैं, देख सकते हो अब लग रहे हैं हिस्सर। गाइस देखो कितने बेहतरीन, ये क्या खट्टे होते हैं? नहीं बहुत मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। तो गाइस वो जरूरी काम हम करने आए थे, गाड़ी को धोने आए थे। यहाँ नदी बहती है ना छोटी सी, पानी कम हो गया ना इसका पहले से देखा जाए, अब तो बहुत हो गया, पिछली बार से भी कम हो गया जब मैंने और पापा ने गाड़ी धोई थी। तो ये बहता हुआ पानी है तो साफ हो जाता है। दो थोड़ा सा नीचे कर दो, हाँ काट दो अब ऊपर को, ऊपर काट दो। बस 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 बस। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, इस बार हम अपने ससुराल में कर रहे हैं एडवेंचर, नदी के बीचों बीच हमने लगाई गाड़ी। तो गाइस दोनों गाड़ी हम लोगों ने धो दी हैं। तो गाइस अभी ना मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, बहुत तेज हवा चल रही थी पहले कुछ टाइम पहले, और बारिश होके हटी है। दादी जो है बना रहे हैं पटांडे, हिमाचली डिश है। पटांडे कहते हैं ना, पटांडे पटांडे। दादी क्या होते हैं पटांडे? पतले पतले होते। अच्छा ये हिमाचली डिश है गाइस, आटे से बनते हैं। ठीक है, तो आटे को गूंद लिया है ना पहले, पानी से ही गूंदा है ना। ओके, एंड पतला करते हैं इसको। अच्छा ये पटांडे पहाड़ी डिश है, पहाड़ी डिश। इसको किसके साथ खाते हैं दादी? ये इसको खाते हैं दाल के साथ, घी के साथ। अच्छा ये मतलब फीके होते हैं या कैसे? ना फीके। और अभी ठंड बढ़ गई है तो होते दूसरे होते चिरटे। अच्छा जो मीठे होते हैं ना होते चिरटे। ठीक है होते थोड़े मोटे, ये पटांडे होते पतले। ठीक है ये फर्क है बाकी। तो अभी ठंड हो गई है, इधर चूल्हा भी जला लिया है। पहाड़ों में तो गाइस ये नॉर्मल है, ठंड हो तो चूल्हा जल जाता है। ये क्या कर रहा है सर तू? कोई नहीं। तो गाइस इसको थोड़ी देर रख लेना, 10-15 मिनट ऐसे रख लेना गाइस, आप भी बनाना फिर बनेंगे तवे पे। बनता तो वैसे ही देखा जाए। चलवा की ब्रात। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है अगला दिन, आज है शादी रिश्तेदारी में, तो सभी लोग वहीं पे जा रहे हैं। एक तो मेरा नेगेटिव पॉइंट ये हो गया यार, दाढ़ी दूड़ी बढ़ गई, मेरा ना चेहरा काला लगने लग जाता है। सब लोग चले गए हैं, हम ये 4-5 बंदे बचे हैं। ये लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम लगाते हैं, लेट करते हैं। गाँव में जब शादियां होती हैं पहाड़ों में तो ऐसे ही चल के जाना पड़ता है। ये देखो कहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं, और नीचे अभी खाई पैर फिसलानी तो गए नीचे। तो गाइस कभी आप हिमाचल आओ तो हिमाचल की शादी को एक्सपीरियंस जरूर करो, बिकॉज हम तो शहरों में गाड़ियों में बैठ के चले जाते हैं ना, तो जो गाँव में यहाँ चल के जाना पड़ता है ना, इसका भी एक्सपीरियंस अलग ही है गाइस। मेरे को तो वो दिन याद आ रहा है वो शादी। वो
रात को हो भाई नीचे गाड़ी लगा दी, उसके बाद मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर होगा है ना, चल के गए ऊपर, ऊपर से रात गई, बुरे हाल हो गए। उस दिन वो मिले थे, ब्राग मिले थे 2 रात को। किसको? मेरे को और पापा को। हाँ मैंने गाइस ये उस दिन उस टाइम व्लॉग में नहीं बताया था, 2 ब्राग मिले थे रात को, पर दूर थे काफी। गाइस रास्ता देखो कितना छोटा है, ये देखो उफ, ये आगे देखो गाइस इतने इतने रास्ते से, और ये बंदियां हील पहन के जा रही हैं। गाइस बारात आ गई है, आवाज आ रही होगी देखो। तो गाइस ये देखो यहाँ हो रही है शादी, बारात आ चुकी है। मेरा पहाड़ी स्लैंग क्यों आ रहा है हिंदी में पता नहीं गाइस, यहाँ स्लैंग चेंज हो जाता है। प्योर मतलब ये सारा जो है अनाज है गाइस, ये अनाज से बनाया जाता है, प्रॉपर मंडप तैयार किया जाता है, ये आप देख सकते हो, ये पहाड़ी जो रिचुअल है उसमें ऐसे बनाया जाता है। तो अभी गाइस विदाई हो रही थी, तो बारात के साथ जाते हैं ना जैसे पहाड़ी कल्चर में होता है, तो हम सब लोग जा रहे थे, तो गाड़ी उधर घर पे लगी हुई है ना, तो गाड़ी पिक करते हैं फिर चलते हैं। हील्स पहन के रास्ता देखो भाई, बुरे हाल हो गए, रात होगी हमें पहुंचते, पर ये देखो गाइस हाथ पकड़ के बुरे हाँ, ओ ध्यान से भाई, इसने पहनी हुई है हील गाइस, इन लड़कियों का ना, ओ भाई रास्ता देखना तिसल रहा है ऊपर से, ध्यान से आना इधर से। तो गाइस फाइनली शादी से हम लोग हो गए हैं फ्री, और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, तो अब चलते सीधा घर यार, बहुत थक गए हैं हम लोग, ठंड इतनी है ना गाइस बहुत ज्यादा, ये देखो क्या हाल हो रखा है। बुरे हाल हो गए ठंड से यार, ठोक से भी ज्यादा ठंड है यहाँ तो है ना। वो गुड़िया कहाँ गई? वो हीरोइन उसको ठंडी लग रही है, लहरा रही चुन्नी ऐसे ऐसे करके, चुन्नी लहरा रही है पूरा पोज कर रही है ऐसे करके। बुढ़िया ठंड नहीं लग रही तेरे को भाई, क्या खाया तूने? डाटू मिले यार, ओ भाई वो वाला। तो गाइस अभी हम लोगों को ना शेर नहीं था, ब्राग था वो, एक गाइस छोटा बच्चा था वो नीचे को गया, और उसकी शायद मम्मी थी जो ऊपर गई, मम्मी बोल रहा हूँ कैसे मैं आगे ना कोई मिले जब हम गाड़ी से उतरे हैं, ब्राग नहीं है ना भाई, मैं कह रहा हूँ गाड़ी से उतरेंगे तब ना मिल जाए कोई। तो गाइस कल जो है हम लोग रात को लेट पहुंचे थे, एंड सब कुछ बढ़िया रहा, सही रहा। निधि की बुआ की शादी थी। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।